हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं यह फोर्ड की इको स्पोर्ट है। 2013 का मॉडल है, डीजल कार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसका कंप्रेसर फेल हो चुका है, यानी कंप्रेसर जल गया है। इस वजह से मैं इसमें दूसरा कंप्रेसर डाल रहा हूं। तो चलो फिर मैं आपको बाहर दिखा देता हूं, दिखा देता हूं कि कैसे कंप्रेसर जला है। चलो फिर बाहर लेके जाता हूँ। तो ये रही इसका कंप्रेसर, जैसा कि देख पा रहे हैं सब जल गया है आगे का सेटअप पूरा। तो ये रही सेकेंड का कंप्रेसर है, 10,000 में कुछ मिला है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे कंप्रेसर कैसा है। इसमें एक वाल रहती है, कंट्रोल वाल। मैं यहाँ कुछ 25,000 का है। तो चलो फिर मैं फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से सॉकेट वगैरह सब पाइप वगैरह सब फिट हो चुका है, तो बेल्ट भी लग चुका है। तो चलो फिर मैं आगे गैस चार्जिंग वगैरह में आपको आगे लेके जाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं लो वाला इंजेक्टर लगा दिया हूँ मैं, और इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर मारा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 300 का प्रेशर मारा हूँ, और नाइट्रोजन का सिलेंडर ये रहा। और लीक तो कहीं से नहीं बता रहा है मेरे को, मैंने चेक किया कहीं से भी लीक नहीं है। तो कंप्रेसर ये वाला कंप्रेसर इसका बन जाता है, इसका बैरिंग गया है। तो कस्टमर को क्या लगा कि कंप्रेसर पूरा ख़त्म हो गया, जल गया, धुआं धुआं निकल गया था, इस वजह से वो सेकंड में कंप्रेसर लेके आया है। तो चलो फिर ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, उसको जो समझ में आया लेके आया। तो चलो फिर मैं इसको चेंज करके ही दे देता हूँ, अपने को क्या करने का है। मतलब उनको बताया कि ये बन जाएगा, पर बोला छोड़ो रहने दो, चलो फिर आगे का स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, तो फिर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे छोड़ के फिर मैं वैक्सीन में लगा करके, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वैक्सीन में लगा के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाई लो दोनों लगा दिया हूँ, और मैं इसको वैक्सीन में ले लेता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं नाइट्रोजन प्रेशर 0-0 है, और मैं इसको वैक्सीन में ले लेता हूँ। 10 मिनट के लिए लगा देता हूँ। चलो फिर अब 10 मिनट बाद हम मिलते हैं। चलो फिर तो अपना वैक्यूम कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काटा भी देख रहे हैं। और चलो फिर मैं इसको गैस चार्जिंग में ले लेता हूँ। 450 ग्राम गैस मारूंगा इसमें, ऑयल मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कंप्रेसर में ऑलरेडी ऑयल डाल चुका था, इस वजह से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो चलो फिर मैं 450 ग्राम गैस इसमें फिल कर देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं गैस फिल हो चुका है। तो चलो फिर मैं आगे गाड़ी, तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू पोजीशन में है, और हाई लो दोनों लगा हुआ है, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं और लो प्रेशर देख पा रहे हैं 20 के ऊपर है, तो हाई प्रेशर 300 के ऊपर है, 300 से नीचे थोड़ा। तो चलो फिर मैं आपको अंदर कूलिंग टेम्परेचर वगैरह सब दिखाता हूँ कि कूलिंग कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो चलो फिर मैं अंदर लेके जाता हूँ आपको, गाड़ी चालू है जैसा कि देख पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे गाड़ी अभी अपनी चालू है, और एसी मैंने चालू रखा है जैसा कि देख पा रहे हैं, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 6.6 पे आ चुका है, सॉरी 6.6 पे आया अभी। लगभग 4 तक इसका कूलिंग टेम्परेचर आएगा। फाइव पॉइंट सेवन पे आ चुका 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 4.9 पे आ चुका है। 4.5 या 4.3 पे ट्रिप मारता है कंप्रेसर इसका, 4.3 पे ट्रिप मार चुका। तो बाकी ये सब सिस्टम तो चलाना बाकी आपको मालूम ही है, पता ही है कैसे चलाया जाता है।
तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर करेंगे ना तो फिर आगे मैं अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।